अगर आप भी इस चीज़ का वेट कर रहे थे कि ड्यू डेट से एक्सटेंड हो जाएंगी, तो फाइनली यहाँ पर ऑर्डर आ गया है अंडर सेक्शन 191 इनकम टैक्स की तरफ से। ये ऑर्डर आया है और डेट है इसकी 30 जुलाई। इस ऑर्डर के आ जाने के बाद से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है कि ड्यू डेट्स को एक्सटेंड किया जाएगा। 31 जुलाई ड्यू डेट है ITR फाइलिंग की। जो भी नॉन ऑडिट केस में कवर होते हैं वो लोग 31 जुलाई तक अपनी ITR को फाइल कर लें। 31 जुलाई के बाद भी आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं और आपके पास 31 दिसंबर तक का टाइम रहेगा अपनी ITR फाइल करने के लिए। लेकिन वहां पर आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। लेट फीस आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वैरी करती है। 2.5 लाख से कम की अगर आपकी इनकम है, आपको अभी फाइलिंग करने की जल्दी नहीं है, 31 दिसंबर तक का आपके पास टाइम है, आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी होगी। जिन लोगों की इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में आती है, उनके लिए 1,000 रुपये की लेट फीस है, और जिनकी इनकम 5 लाख रुपये से ऊपर है उनके लिए 5,000 रुपये की लेट फीस है। तो ITR फाइलिंग आप अभी भी कर सकते हैं, 31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन तब आपको लेट फीस देनी होगी जो कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग वैरी करेगी। अगर आपके टैक्सेस ड्यू हैं तो आप उन्हें अभी पे कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 31 जुलाई के बाद अपने टैक्सेस पे करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा जो कि 1% पर मंथ के हिसाब से लगेगा। अभी आप टैक्सेस पे कर सकते हैं और बाद में अगर वो आपने ज़्यादा पे कर दिए हैं तो आप उनका रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपनी ITR को रिवाइज करके। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर स्टॉक मार्केट में आपको कैपिटल लॉसेज हुए हैं या फिर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ट्रेडिंग में लॉस हुआ है या FNO से आपको लॉस हुआ है, तो 31 जुलाई ड्यू डेट से पहले आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। अगर आपने 31 जुलाई के बाद अपनी ITR फाइल की तो आप अपने लॉसेज को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है उन लोगों के लिए जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उनको हैवी लॉसेज हुए हैं, या फिर जो कि अपना पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये मैंडेटरी है कि वो 31 जुलाई से पहले, ड्यू डेट से पहले अपने ITR को फाइल कर दें। अगर आपके पास अभी अपना DMAT का डेटा प्रिपेयर नहीं है तो आप रॉन्ग डेटा के साथ अपना ITR अपलोड कर दीजिए, बाद में आप उसे रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने अपने ITR फाइल नहीं की और बाद में आपने अपनी ITR बिलेटेड रिटर्न फाइल की तो आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और अपने फ्यूचर गेन्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे। रेवेन्यू सेक्रेटरी मिस्टर पीयूष ने पहले ही बोल दिया था कि वो डेट्स को एक्सटेंड नहीं करेंगे, लेकिन ये ऑर्डर यहाँ पर क्यों लाया गया है? ये ऑर्डर इसलिए लाया गया है क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट है वो छुट्टी वाले दिन पड़ रही है, यानी कि संडे को पड़ रही है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ड्यू डेट किसी पब्लिक हॉलीडे वाले दिन पड़ती है तो उसका जो नेक्स्ट डे होता है उसी को ड्यू डेट माना जाता है। तो यहाँ पर ऑर्डर ये इसलिए इशू किया गया है ये कहने के लिए कि मंडे आपकी ड्यू डेट नहीं होगी क्योंकि पब्लिक हॉलीडे पड़ रहा है संडे को, संडे ही आपकी लास्ट डेट होगी। तो ऑर्डर में कहा गया है कि फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन ऑडिटेबल केसेस इज 31 जुलाई। In view of the closed holiday on 31st July being Sunday, it is hereby directed that ask centers throughout India shall remain open on 31st July during normal office hours. जो भी customer care centers हैं या banks हैं या फिर जो भी offices हैं जो ITR filing में assist करते हैं, उन सभी को ये order दिया गया है कि वो offices को बंद नहीं रखेंगे क्योंकि Sunday पड़ रहा है और ये सारे offices आपके लिए open रहेंगे जिससे कि आप अपने ITR filing smoothly कर सकें। इसके साथ ही आगे कहा गया है कि special arrangements may also be made by way of opening additional receipt counters wherever required to facilitate filing of tax returns by the taxpayers. अगर ज़रूरत पड़ी तो ये स्पेशल अरेंजमेंट भी करेंगे और एडिशनल रिसिट काउंटर्स भी ओपन करेंगे, ITR फाइलिंग सेंटर्स भी ओपन करेंगे जिससे कि taxpayers को रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत ना हो। मतलब कि अब बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि आपकी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। तो अगर आपने अभी तक अपनी ITR फाइल नहीं की है तो आप फाइल कर लीजिएगा, संडे इज द ड्यू डेट, उसके बाद आप अपनी ITR फाइल कर सकते हैं लेकिन विद लेट फीस। अगर किसी वजह से आपका डेटा प्रिपेयर नहीं है तो आप जस्ट ITR को अपलोड कर दीजिएगा। ई वेरीफाई करने की यहाँ पर बिल्कुल भी नेसेसिटी नहीं होती है। आप ई वेरीफाई नहीं भी करेंगे तब भी आपकी ITR को अपलोड यानी कि फाइल्ड माना जाएगा। बहुत से लोगों की ये भी क्वेरी होती है कि अगर ई वेरीफाई नहीं करेंगे तो ITR को फाइल्ड नहीं माना जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपनी ITR अपलोड कर दी है तो वो फाइल्ड मानी जाती है, भले ही आप उसे ई वेरीफाई मत करिए। अगर आपका डेटा रेडी नहीं है
तो आप गलत ITR फाइल कर दीजिए, लेकिन फाइल ज़रूर करिएगा, चाहे कैसे भी ITR आप अपलोड कर दीजिए, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर GST की तरह ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है कि आप ITR को रिवाइज नहीं कर सकते। 31 दिसंबर तक का टाइम है, आप अपनी ITR को कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, डेटा को फिर से प्रिपेयर कर सकते हैं, डेटा को सही कर सकते हैं और 31 दिसंबर तक अपनी ITR को रिवाइज करके फाइल कर सकते हैं। ITR को रिवाइज करने पर हमें कोई भी लेट फीस नहीं लगती है, लेकिन अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करेंगे, बिलेटेड ITR का मतलब होता है कि आपने 31 जुलाई से पहले अपनी ITR को फाइल नहीं किया था, तो अगर आप बिलेटेड ITR फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस यहाँ पर देनी पड़ेगी, लेकिन रिवाइज्ड ITR पर कोई भी लेट फीस नहीं होती है। साथ ही रिवीजन आप कितनी बार कर सकते हैं, अपनी ITR को आप रिवाइज चाहे कितनी भी बार कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी लिमिट स्पेसिफाई नहीं की गई है, चाहे कितनी भी बार आप अपनी ITR को रिवाइज कर सकते हैं अगर आपसे उसमें कोई मिस्टेक हो गई है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।